हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो सलमान खान की पर्सनल लाइफ से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फैंस जो हैं सलमान खान के, वो ज्यादातर सलमान खान की पर्सनल लाइफ यानी रिलेशनशिप वगैरह को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर सलमान खान कब शादी करने वाले हैं या फिर सलमान खान किसी को डेट कर रहे हैं या बहुत कुछ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सलमान खान किसके साथ रिलेशनशिप में है, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने बताया कि लव स्टोरीज वैसे तो बहुत होती हैं, लेकिन सलमान खान की लव स्टोरी को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। सलमान खान के रिलेशनशिप को जानने के लिए लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं। कई फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर नाम जोड़े गए हैं। उनकी शादी को लेकर उनके फैंस अक्सर सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। लेकिन कई बार देखा गया है कि अपनी लव लाइफ का मजाक खुद ही उड़वा देते हैं। बॉलीवुड के भाईजान ने हाल ही में अपने सबसे लंबे रिलेशनशिप को सबके सामने जाहिर किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उन दोनों में आज भी समानता है कि दोनों ने अब तक शादी नहीं। सलमान खान की लव स्टोरीज वैसे तो जाहिर है, लेकिन एक्टर ने अब अपने जिस रिलेशनशिप का खुलासा किया है उसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल सलमान खान जल्द ही टीवी का सबसे बड़े शो बिग बॉस 15 में एज अ होस्ट नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिग बॉस OTT का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और अब जल्द ही बिग बॉस 15 कलर्स टीवी पर नजर आने वाला है। हाल ही में मध्य प्रदेश में शो को लेकर एक फैंस डे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें भाईजान ने खुलासा किया है, यानी उन्होंने बताया है कि बिग बॉस इकलौता ऐसा शो है जो मेरे लिए किसी रिलेशनशिप से कम नहीं है, जो सबसे लंबा चल रहा है, वरना मेरे रिश्ते तो टूटने में देर नहीं लगती। सिर्फ बिग बॉस ही एक ऐसा रिलेशनशिप है जो मेरी जिंदगी में परमानेंट रहा है। वेल, अपने और बिग बॉस में समानताएं बताते हुए सलमान ने यह भी कहा कि बिग बॉस और मेरे बीच ये समानता है कि हम दोनों ही अब तक शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए हम लोग बिना डरे खुद को बॉस समझते हैं। सलमान खान ने यह भी कहा कि बिग बॉस के साथ मेरा रिलेशनशिप शायद अकेला ऐसा रिलेशन है जो इतना लंबा चला है। कुछ रिलेशनशिप अब मैं क्या ही कहूँ, रहने देते हैं, कि आप तो समझ ही गए होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बिग बॉस 15 के इस प्रेस में सलमान खान के द्वारा दो नामों का भी खुलासा किया गया है। इसमें पहला नाम है आसिम रियाज के भाई उमर रियाज का और दूसरा है एक्ट्रेस डोनल बिल्स, जो शो का हिस्सा होंगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कॉल के जरिए दोनों ने इस प्रेस मीट में शामिल हुए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अब ये तो फाइनल हो ही चुका है कि उमर रियाज और डोनल बिल्स इस शो में यानी बिग बॉस 15 में नजर आने वाली हैं, और ये भी पता चल ही गया कि सलमान खान का जो इतने सालों का रिलेशनशिप है वो है बिग बॉस। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा मैं जाते जाते एक चीज और जरूर बताना चाहूंगी, इस बार बिग बॉस 15 की जो थीम है वो बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस बार शो की थीम जंगल बेस्ड है और सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो काफी आपको एंटरटेन करने वाले हैं और बहुत अच्छे से गेम खेलने वाले हैं। और ये जो शो है, ऐसा बताया जा रहा है कि 5 महीने तक लगभग चल सकता है। यही नहीं, सलमान खान ने भी प्रेस में बताया कि जंगल में मंगल या जंगल में दंगल, जी हाँ, यानी जो शो की थीम है वो जंगल बेस्ड होगी, जिसे देखकर काफी ही मजा आने वाला है। तो तैयार हो जाइए बिग बॉस 15 के लिए, जो आपके लिए काफी यादगार होने वाला है। बाकी आने वाली अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।